हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 10। तो बेटे, ये बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का 10वां वीडियो है, और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। इसमें के बड़ा होना चाहिए और सहारनपुर का S भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं, सहसंयोजक गुण की तुलना। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आज हैं, हम सब में सहसंयोजक गुणों की तुलना करेंगे कि किसमें ज्यादा सहसंयोजक लक्षण है और किसमें कम है। और क्वेश्चन को समझते ही, सुनते ही आपको एक बात समझ में आई होगी कि सर, ये क्वेश्चन तो सारे फजान के नियम पर ही आधारित है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, FeCl3 एंड FeCl सॉरी FeCl2 एंड FeCl3 में कौन सा कंपाउंड अधिक कोवलेंट है? तो इन्होंने एक कंपाउंड दिया हमें FeCl2, पहला यौगिक दिया FeCl2, और दूसरा कंपाउंड दिया FeCl3, और इन्होंने पूछा है कि दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट है, यानी ज्यादा सहसंयोजक कौन सा कंपाउंड है। तो मैं आपको बताता हूं कि यदि हम FeCl2 की बात करते हैं, तो FeCl2 में एक तो होते हैं Fe डबल पॉजिटिव आयन और दो होते हैं Cl नेगेटिव आयन, जबकि FeCl3 की जब हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की, तो बेटे इसमें एक तो होता है Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहां तीन लिखा हुआ है तो ये तीन आवेश यहां चढ़ेगा, और तीन होते हैं Cl नेगेटिव आयन। अब यहां एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि बेटे Cl नेगेटिव आयन तो इसमें भी है और Cl नेगेटिव आयन तो इसमें भी है। Cl नेगेटिव तो दोनों में ही है, यानी एनायन कॉमन है, जिसे अपनी शक्ल बिगड़वानी है वो दोनों में एक जैसा है। पर बेटे कैटायन तो अलग अलग है। देखो यहाँ Fe डबल पॉजिटिव आयन है और यहाँ Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, तो कैटायन तो अलग अलग तरह के हुए, और कैटायन ही होता है जो एनायन की शक्ल बिगाड़ता है। सकल बिगड़वाने वाले तो दोनों सेम ही है, क्लोराइड आयन, पर सकल बिगाड़ने वाले अलग अलग हैं। ये तो है फेरस आयन और ये है फेरिक आयन, तो इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो आप कहोगे कि सर, पोलराइजिंग पावर जब आप सिखा रहे थे तो आप यूं कह रहे थे कि पोलराइजिंग पावर जो होती है, ध्रुवण क्षमता जो होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, किसके चार्ज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो मुझे यू बता दो कि Fe डबल पॉजिटिव और Fe ट्रिपल पॉजिटिव दोनों में किसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, किसके ऊपर ज्यादा आवेश है? तो आप कहोगे कि सर, इसके ऊपर है ज्यादा आवेश, Fe ट्रिपल पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा आवेश है। तो पक्की बात है कि Fe ट्रिपल पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, यानी ध्रुवण क्षमता ज्यादा है। फिर मैं पूछूं कि बताओ, Fe डबल पॉजिटिव और Fe ट्रिपल पॉजिटिव में साइज किसका छोटा है, कि सॉरी किसका साइज छोटा है, यूं बताओ। तो आप कहोगे कि सर, Fe डबल पॉजिटिव में से दो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रखे हैं, जबकि Fe ट्रिपल पॉजिटिव में से तीन इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो साइज तो ज्यादा घट गया होगा, तो ज्यादा चार्ज भी Fe ट्रिपल पॉजिटिव के ही ऊपर है और ज्यादा छोटा साइज भी Fe ट्रिपल पॉजिटिव का है, तो ये तो नहले पे दहला हो रहा,
एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव तो ज्यादा खतरनाक है, और जब एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव ज्यादा खतरनाक है तो इसकी पोलराइजिंग पावर एफ ई डबल पॉजिटिव से ज्यादा होगी, और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो ये सी एल नेगेटिव अर्थात क्लोराइड आयनों का ज्यादा डिस्टॉर्शन कर देगा, ज्यादा पोलराइजेशन कर देगा, जिसकी वजह से एफ ई सी एल थ्री में ज्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो जाएगा, जबकि एफ ई सी एल टू में इतना कोवलेंट करेक्टर डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवलेंट, तो आप बताओगे एफ ई सी एल थ्री इज मोर कोवलेंट देन एफ ई सी एल टू, या एफ ई सी एल थ्री हैज मोर कोवलेंट करेक्टर देन एफ ई सी एल टू, बिकॉज द हाई चार्ज ऑन एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव आयन एंड स्मॉलर साइज ऑफ एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये बात लिखनी है आपकी, इसका कारण क्या है, हाई चार्ज एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव आयन का और स्मॉल साइज एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव आयन का। हाई चार्ज और स्मॉल साइज जितना ज्यादा होता है ना किसी भी कैटायन का, उसकी पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, क्लियर बात। चलो अगली बात कर रहे, चलो चलो इसे देख लें एक बार, एफ ई सी एल टू और एफ ई सी एल थ्री का कंपेरिजन मार रहे हैं हम इसके रेस्पेक्ट में, कोवलेंट करेक्टर के रेस्पेक्ट में, और हमारा आंसर निकल गया है कि एफ ई सी एल थ्री इज मोर कोवलेंट देन एफ ई सी एल टू। यहां लिखा हुआ है दोनों में, दोनों का मतलब एफ ई सी एल टू और एफ ई सी एल थ्री में, दोनों में एनायन सी एल नेगेटिव तो समान है, हाँ भाई समान है सी एल नेगेटिव, बट कैटायन एफ ई डबल पॉजिटिव व एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव अलग अलग हैं, कैटायन अलग अलग हैं, ये भी बात बिल्कुल पक्की है, एक में तो एफ ई डबल पॉजिटिव कैटायन है, एक में है एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव, इनमें से एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव पर अधिक आवेश है तथा इसका साइज भी छोटा है, इसलिए एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव क्लोराइड को अधिक पोलराइज करेगा, न कि एफ ई डबल पॉजिटिव, इसलिए एफ ई सी एल थ्री एफ ई सी एल टू से अधिक कोवलेंट होगा। बताओ क्लियर हुई क्या बात, होगी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है NaCl व KCl में कौन सा कंपाउंड अधिक कोवलेंट है और क्यों, NaCl और KCl का कंपैरिजन मार रहे, चलो NaCl और KCl। अब मुझे आप एक बात बता देना सोच के बस, NaCl और KCl के केस में, यहां तो लिखा है NaCl, ये लिख दिया NaCl और ये लिख दिया KCl, इन दोनों का हमें तुलना करना है कि कौन सा ज्यादा कोवलेंट है, तो मुझे यूं बताओ कि इसमें एक तो Na पॉजिटिव आयन है जिसे सकल बिगाड़नी है, और किसकी बिगाड़नी है, Cl नेगेटिव आयन की, और यहां है बेटे K पॉजिटिव आयन जिसे सकल बिगाड़नी है Cl नेगेटिव आयन की, तो इसमें यूं बताओ Cl नेगेटिव आयन यहां भी है और यहां भी है, क्लोराइड आयन तो दोनों में ही है और दोनों में सेम है, तो क्लोराइड आयन के ऊपर तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा इनके ऊपर, एक तो Na पॉजिटिव आयन और एक K पॉजिटिव आयन, इनका कंपैरिजन मार लो आप। अब यदि आप चार्ज के बारे में बात करते हो आवेश के, तो चार्ज तो दोनों के बराबर हैं, इसके ऊपर भी एक इकाई धन आवेश है और इसके ऊपर भी एक इकाई धन आवेश है, यानी दोनों के पास ही सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज से हाँ आंसर नहीं निकल सकता। अब आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट ग्रुप में, चलो फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं हम, हमारी जो आवर्त सारणी होती है ना पीरियोडिक टेबल, उसके फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आता है Li, Na, K, Rb और फिर क्या आता है Cs, सीजियम और फिर आता है Fr, ये फर्स्ट ग्रुप के सारे मेटल लिख दिए, हाइड्रोजन मैंने लिखा नहीं। हमारा सवाल घूम रहा है सोडियम और पोटेशियम के ऊपर, तो बेटे सोडियम और पोटेशियम ये हैं दोनों रखे हुए, सोडियम और पोटेशियम। अब मैं आपसे पूछ रहा कि मुझे यूं बताओ कि सोडियम और पोटेशियम में साइज किसका बड़ा होगा, आप कहोगे कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी ग्रुप में यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो एटम का साइज तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली,
तो सोडियम तो होगा छोटा और पोटेशियम होगा बड़ा। जब बेटे सोडियम छोटा है तो मुझे यूं बताइयो सोडियम का धनायन, मैं कह रहा कि सोडियम छोटा है पोटेशियम से, तो मुझे बताओ Na पॉजिटिव यानी सोडियम का धनायन भी तो छोटा होगा पोटेशियम के धनायन से, होगा या नहीं होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, करेक्ट। तो मुझे यूं बताओ यहां Cl नेगेटिव को सकल बिगड़वानी अपनी, और यहां भी Cl नेगेटिव को सकल बिगड़वानी अपनी, ठीक है। यहां सकल बिगाड़ने वाला कौन है? Na पॉजिटिव आयन जो साइज में छोटा है, और यहां सकल बिगड़वाने वाला सॉरी बिगाड़ने वाला कौन है? K पॉजिटिव आयन जो साइज में बड़ा है। तो यूं बताओ छोटे वाला धनायन ज्यादा खतरनाक होता है या बड़े वाला धनायन ज्यादा खतरनाक होता है? तो आप इस बात को आज तक भली भांति समझ गए होंगे कि जो धनायन जो कैटायन साइज में जितना छोटा होता है ना वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहां ज्यादा खतरनाक Na पॉजिटिव आयन है ना कि K पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन की पत्ती तार देगा बिल्कुल एकदम, जबकि K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव की पत्ती तारने की कोशिश तो करेगा पर उस पर होने का नहीं हो काम। इसलिए Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन की शक्ल ज्यादा खराब करेगा, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा यदि हम Na पॉजिटिव आयन का कंपैरिजन करते हैं K पॉजिटिव से। और जब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच देगा तो उससे क्या होगा? उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि NaCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl। तो यहां हमारा आंसर बन रहा कि NaCl ज्यादा कोवेलेंट है KCl की तुलना में, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट है क्योंकि Na पॉजिटिव का साइज K पॉजिटिव से क्या है? छोटा है। Na पॉजिटिव का साइज किससे छोटा है? K पॉजिटिव से। देखो जरा दोनों में एनायन Cl नेगेटिव तो समान है, बिल्कुल समान है, बट कैटायन Na पॉजिटिव व K पॉजिटिव अलग अलग हैं। बिल्कुल हैं बेटे अलग अलग, कैटायन ही है जो सकल बिगाड़ने वाले हैं। दोनों में से Na पॉजिटिव का साइज छोटा है, अतः Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन को अधिक पोलराइज करता है, इसलिए NaCl KCl से अधिक कोवेलेंट होता है। तो आपका जो NaCl है सोडियम क्लोराइड वो पोटेशियम क्लोराइड से ज्यादा कोवेलेंट होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखना। इसमें कहा है NaCl AlCl3 MgCl2 को कोवेलेंट करेक्टर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। NaCl AlCl3 और MgCl2, NaCl लिख लेते हैं, यहां एक तो NaCl है और एक है AlCl3 और एक है MgCl2। अब ये यूं कह रहे कि इन्हें तीनों को कोवेलेंट करेक्टर यानी सह संयोजक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दो आप, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इस सीक्वेंस में अरेंज कर दो। तो बेटे यहां एक चीज तो आपको नजर आई रही होगी कि तीनों में क्या चीज कॉमन है। आप कहोगे कि सर क्लोराइड आयन यहां भी है, यहां भी Cl नेगेटिव आयन है भले ही तीनों, और यहां भी Cl नेगेटिव आयन है। क्लोराइड आयन तो तीनों में ही है। अब जब तीनों में क्लोराइड आयन है तो सकल बिगड़वाने वाले तो तीनों में एक जैसे हैं, तो यहां खेल खेला जाएगा कैटायन के ऊपर। एनायन तो एक जैसे हो गए, यहां कौन सा कैटायन है बेटे? Na पॉजिटिव, ये कैटायन है। यहां बेटे कौन सा कैटायन है? Al ट्रिपल पॉजिटिव, और यहां कौन सा है? Mg डबल पॉजिटिव। ये जो नीचे लिखा होता है ना इसी आवेश को चढ़ाता हूं मैं इसके ऊपर, तीन लिखा हुआ तो तीन चढ़ा दिया, कुछ नहीं है तो एक लिखा हुआ तो एक चढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा इस कैटायन के ऊपर एक इकाई धनावेश है, इसके ऊपर तीन इकाई धनावेश है, इसके ऊपर दो इकाई, तो मुझे यूं बता दो कि इनमें से कौन सा कैटायन, पहले एक बार देख लूं घटते क्रम में लगाना था या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाना था, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। मुझे यूं बताओ इन तीनों में से कौन सा सबसे कमजोर कैटायन है? कमजोर का मतलब जो बहुत कम
क्लोराइड आयन की शेप को बिगाड़ सकता है। तो आप यहां किस आधार पर कंपेरिजन करोगे तीनों कैटायन का, बताओ किस आधार पर करोगे कंपेरिजन? आप कहोगे कि सर यहां तो आवेश ही आवेश नजर आ रहा, चार्ज ही चार्ज, तो इनमें सबसे कम चार्ज किसके ऊपर है? एन ए पॉजिटिव के ऊपर। तो यहां आप लिखो कि एन ए पॉजिटिव आयन जो है ना वो बेचारा सबसे कम खतरनाक है। इससे ज्यादा खतरनाक कौन है? इससे ज्यादा खतरनाक है जिसके ऊपर दो इकाई आवेश होगा, एम जी डबल पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, और सबसे ज्यादा खतरनाक बेटे ए एल ट्रिपल पॉजिटिव आयन है क्योंकि इसके ऊपर तीन इकाई धनावेश है, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे यूं बताओ जो सबसे कम खतरनाक धन आयन है कैटायन है उसका साल्ट भी सबसे कम कोवलेंट होगा क्योंकि वो क्लोराइड आयन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब NaCl तो यहां सबसे कम कोवलेंट करेक्टर रखता है, NaCl से ज्यादा कोवलेंट है MgCl2। कौन है? MgCl2 ज्यादा कोवलेंट है क्योंकि Mg डबल पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर Na पॉजिटिव आयन से तो ज्यादा ही है। और बेटे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रखता है। देखो मैं आपको बताता हूं, यदि आप NaCl को कहोगे ना तो इसे आप आयनिक कंपाउंड कहोगे, आप कहोगे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, सीधी साधी बात है, आयनिक बॉन्ड बन रहा तो आयनिक कंपाउंड होगा। जबकि AlCl3 को जब आप देखोगे तो AlCl3 बेटे इसमें कोवलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट, रखोगे ध्यान। तो हमें पता चल गया यहाँ क्वेश्चन किसके ऊपर चला, क्या क्वेश्चन Cl नेगेटिव आयन के ऊपर चला। तो आप कहोगे नहीं जी Cl नेगेटिव आयन तो कॉमन था तीनों में, तो क्वेश्चन चला है कैटायन के ऊपर Na पॉजिटिव Al ट्रिपल पॉजिटिव Mg डबल पॉजिटिव, जिस कैटायन पे जितना कम चार्ज है वो उतना कमजोर है, कोवलेंट करेक्टर उतना कम डेवलप करेगा, और जिस कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो उतना खतरनाक है और उतना ही ज्यादा एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप करेगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किस में आया? जिसके कैटायन पे सबसे ज्यादा चार्ज था, Al ट्रिपल पॉजिटिव, AlCl3 सबसे ज्यादा कोवलेंट है जबकि NaCl सबसे कम कोवलेंट करेक्टर रखता है। चलो आंसर पढ़ लेते हैं, इसका यही है क्या? हमें पता है Na पॉजिटिव Al ट्रिपल पॉजिटिव Mg डबल पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर इस सीक्वेंस में है, Na पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, उससे ज्यादा Mg डबल पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर है, और सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है Mg सॉरी Al ट्रिपल पॉजिटिव की। और रीजन यहां ब्रैकेट में लिख दिया ड्यू टू चार्ज, आवेश के कारण जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज बढ़ता है उसकी पोलराइजिंग पावर अर्थात ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती है। अब देखो इसलिए कोवलेंट करेक्टर NaCl में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा MgCl2 में होगा, और सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा AlCl3 में। बताओ क्लियर हुई क्या बात? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। LiCl, LiBr, LiI को कोवलेंट करेक्टर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। LiCl, LiBr, LiI, ठीक है? देखो ये तो लिखा हमने LiCl, ये लिखा LiBr और ये लिखा LiI। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, और हमें व्यवस्थित करना है कोवलेंट करेक्टर के बढ़ते क्रम में। यहां बेटे देखो Li पॉजिटिव आयन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सकल बिगाड़ने वाला तो एक जैसा ही है, पर बेटे सकल बिगाड़वाने वाले अलग अलग हैं। एनायन देखो यहां तो है Cl नेगेटिव आयन, यहां है Br नेगेटिव आयन, और यहां है I नेगेटिव आयन। आ जाओ आप ग्रुप नंबर 17 में, जिन्हें आप कहते हो हेलोजन। ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। हेलो माने सी, जंस माने साल्ट, समुद्री लवण बनाने वाले, और समुद्री लवण बनाने वाले हेलोजन होते हैं एफ सी एल बी आर
और आई, दैट इज फूल कली बाहर आई। सवाल है यहां सी एल बी आर और आई के ऊपर, सी एल बी आर और आई के ऊपर सवाल हमारा चल रहा है। अब मुझे बताओ, एक तो सी एल नेगेटिव आयन है, एक बी आर नेगेटिव आयन है, एक आई नेगेटिव आयन, इन तीनों में सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव तीनों में सबसे छोटा साइज किसका होगा? बताइयो किसका होगा सबसे छोटा साइज। भाई जब किसी वर्ग में, जब किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है ना, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयनिक रेडियस हो, चाहे एटॉमिक रेडियस हो। साइज किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हो तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता है या आयन का साइज बढ़ता है। तो सबको पता है यदि साइज का कंपेरिजन मारोगे ना तो आप कहोगे जी सी एल नेगेटिव सबसे छोटा है तीनों में, सी एल नेगेटिव से बड़ा है जी बी आर नेगेटिव साइज में, और इससे भी बड़ा है जी आपका आई नेगेटिव। तो मैं आपको यूं पूछ रहा कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो अपनी सकल सबसे ज्यादा बिगड़वा के मानेगा, जो अपनी पत्ती सबसे ज्यादा उतरवा के मानेगा, कौन सा है जो सबसे ज्यादा मजबूर है इनमें? तो आप कहोगे जी जो एनायन होता है ना, यानी ऋणायन, वो जितना बड़ा साइज में होता है ना उसकी शक्ल उतनी ज्यादा बिगड़ जाती है जितना बड़ा होगा वो साइज में। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है साइज में? आप कहोगे जी आगे समझ बात, आई नेगेटिव सबसे बड़ा है, और जब आई नेगेटिव सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा मजबूर है आई नेगेटिव, इसकी शक्ल सबसे ज्यादा बिगड़ेगी। जो आपका एल आई पॉजिटिव, एल आई पॉजिटिव, एल आई पॉजिटिव तीनों में है कैटायन, लिथियम कैटायन, वो सबसे ज्यादा आयोडीन नेगेटिव आयन, यानी आयोडीन एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर उस कंपाउंड में डेवलप होगा जिसमें आई नेगेटिव आयन होगा, और सबसे कम होगा उसमें जिसमें सी एल नेगेटिव आयन होगा। तो एल आई सी एल सबसे कम कोवलेंट करेक्टर रखता है, एल आई सी एल से ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा बेटे एल आई बी आर के अंदर, और बेटे सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा एल आई आई के अंदर। लिथियम आयोडाइड इन तीनों में सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रखेगा, क्योंकि लिथियम 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 तो इक्वल है, पर सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव और आई नेगेटिव में आई नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए उसका शेप सबसे ज्यादा बिगड़ जाएगा। देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। देखो सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव की पोलराइज होने की नेचर, यानी ये अपनी सकल बिगड़वाने की नेचर यदि कंपेयर करो तो सीएल नेगेटिव की सकल सबसे कम बिगड़ती है, बी आर नेगेटिव की उससे ज्यादा, और आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा सकल बिगड़ती है। ब्रैकेट में लिख रखा है ड्यू टू साइज, आकार के कारण, रेडियस के कारण इसका साइज सबसे बड़ा है इसलिए इसकी सकल सबसे ज्यादा बिगड़ेगी, इसके अंदर पोलराइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। जबकि सी एल नेगेटिव का साइज तीनों में सबसे छोटा है, इसलिए सी एल नेगेटिव आयन की पोलराइज होने की टेंडेंसी कम है, या यूं कहो कि सी एल नेगेटिव आयन अपनी सकल सबसे कम बिगड़वाएगा इन तीनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो कोवलेंट करेक्टर में भी फिर यही सीक्वेंस होगा, एल आई सी एल का कोवलेंट करेक्टर सबसे कम होगा क्योंकि सी एल का पोलराइजेशन उतना नहीं हुआ, इससे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप होगा एल आई बी आर में, और सबसे ज्यादा दुर्गति मचेगी एल आई आई की, लिथियम आयोडाइड की। बताओ समझ में आई क्या बात? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन है एजीएफ, एजीबीआर, एजीसीएल को कोवलेंट करेक्टर के घटते क्रम में अरेंज कीजिए। एजीएफ, एजीबीआर, एजीसीएल, देखो एजीएफ, एजीबीआर और एक है हमारा एजीसीएल, और ग्रुप नंबर 17 को भी देख लो आप, एफ सी एल बी आर, यही तो है। ए जी तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ए जी पॉजिटिव से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें लेना देना है एफ नेगेटिव से, बी सी एल नेगेटिव से और बी आर नेगेटिव से। मुझे यूं बता दो कि इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका ही तो बताओगे आप, बी आर नेगेटिव का, ठीक है। जब इसका साइज सबसे बड़ा है
तो बी आर नेगेटिव वाला जो भी साल्ट होगा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो बी आर नेगेटिव का तो साइज है आपका सबसे बड़ा, इससे छोटा साइज है सी एल नेगेटिव का और सबसे छोटा साइज है एफ नेगेटिव का, ये साइज लिख दिए। तो इससे हमें पता चला कि जो ए जी बी आर है उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है उसमें, और ए जी सी एल में कोवेलेंट करेक्टर उससे कम है, और सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर है सिल्वर फ्लोराइड में। तो अब यहां कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो पिछले क्वेश्चन आपने कराए उनमें तो सब में आपने बताया बढ़ते हुए क्रम में, और इसमें आपने घटते हुए क्रम में बता दिया, वहां तो सारे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कशन चल रहा था, यहां आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों एक्सप्लेन करा? इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि क्वेश्चन में ही डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। देख लो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, AGF, AGBR, AGCL को कोवेलेंट करेक्टर के घटते क्रम में अरेंज कीजिए। तो हमने लिखा एफ नेगेटिव बी आर नेगेटिव सी एल नेगेटिव की पोलराइज होने की नेचर देखो, सबसे कम पोलराइज होता है एफ नेगेटिव, उससे ज्यादा पोलराइज होता है सी एल नेगेटिव, उससे ज्यादा पोलराइज होता है बी आर नेगेटिव। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हम सबसे पहले लिख रहे कि बी आर नेगेटिव सबसे ज्यादा पोलराइज होता है, इससे कम पोलराइज होता है सी एल नेगेटिव, और उससे भी कम पोलराइज होता है एफ नेगेटिव, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने नीचे बताया कि कोवेलेंट करेक्टर देख लो, फिर कोवेलेंट करेक्टर ए जी बी आर में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बी आर नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा था, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो। उससे कम कोवेलेंट करेक्टर ए जी सी एल में होगा, सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर होगा इसमें बेटे ए जी एफ में। तो इतने क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करने थे। ये कल को मैं आपको बहुत मजेदार टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या है? फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर फॉर्मल चार्ज समझना बहुत ही आसान है। एक बार आप वीडियो को देख लोगे तो आप फॉर्मल चार्ज में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।